मित्रों, मैं सुनील लखोटिया आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं क्विक रीजन ऑफ एल्केन। हाइड्रोकार्बन यानी क्लास 11 का एक चैप्टर है जिसके अंदर एल्केन, एल्किन, एल्काइन आप तीनों देखते हैं। तो चलिए ये एल्केन को हम रिवाइज करते हैं। इस पॉइंट में क्विक रीजन में हम जानेंगे कि एल्केन किस तरह से बनता है और किस तरह से बिगड़ता है, मतलब ऑल द रिएक्शंस इन विच एल्केन इज प्रोडक्ट एंड ऑल द रिएक्शन इन विच एल्केन इज द रिएक्टेंट। तो चलें एक बार देखते हैं। तो नाउ कमिंग ऑन पॉइंट, फर्स्ट हमारे पास कुछ एल्केन मैंने लिए हैं, मिथेन है, एथेन है, प्रोपेन है और कोई भी आर एल्काइल ग्रुप है यानी एल्केन है। तो ये कैसे कैसे बन सकता है? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जिंक कॉपर रिडक्शन से, और एलोए हमने ले रखा है इथेनॉल और एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड में ब्रोमीन को हटा के रिलेटेड एल्केन वो बना लेगा। ऐसे ही आर बी आर यानी एल्काइल ब्रोमाइड है, 1 डिग्री एल्काइल ले सकते हैं, 2 डिग्री एल्काइल ले सकते हैं, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ई टी टू ओ यानी डाई इथाइल ईथर हम ले सकते हैं। एन ए बी एच फोर लेते हैं तो हमारे पास 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप कोई भी चलेगा। नेक्स्ट सोडियम डाई ईथर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, आर बी आर हमारे को देखने को मिलेगा यानी कि वुड्स रिएक्शन देखने को मिलेगी, और इस वुड्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास आर आर यानी कि डाइमर तरह से बनेगा और हमारे को एक बड़ी एल्केन मिलेगी। रेड फास्फोरस एच आई एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन को देखते ही उसे हटा देता है, यानी आपके पास अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, सबको एल्केन में ला के पटक देता है। आर यू आर टू सी यू एल आई जो कि अपने आप में एक कैरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन है, अगर इसकी आर एक्स आर डैश एक्स से रिएक्शन कराती है तो आर और आर डैश करके एक बड़ा एल्केन हमें देखने को मिलता है। एच टू ओ यानी हाइड्रेशन कर रहे हैं हम Al4C3, तो हमें मिथेन देखने को मिलेगी, यानी ये जो हमारा एल्यूमिनियम कार्बाइड है इसको पानी में ही डालते क्या मिलेगा आपको, मिथेन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ, जैसे मेरे पास CH2CH2 है और हमने H2PD प्लेटिनम निकल कुछ भी ले लिया, तो ये सिन एडिशन देगा, मेटल रिडक्शन देगा और यहाँ पर हमारे को क्या मिल जाएगी, एल्केन। लिखना बहुत आसान है कि हमने निकल ले लिया, लेकिन ऑन द स्पॉट इसको बनाना मुश्किल होता है। निकल हमें रेनी निकल लेना पड़ता है यानी एल्यूमिनियम निकल का एलोय, उसको NaOH के साथ रखते हैं तब जाके हमें एक्टिव निकल बनता है, फिर उसके ऊपर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब जाके हमारे को ये रिएक्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट दूसरी तरफ अगर हम बात करें हाइड्रोजीन के साथ सिन एडिशंस देखने को मिलता है एल्कीन का, और ये H2O2 के साथ हम एज ए रिएक्शन करते हैं और हमें यहाँ पर भी एल्केन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर वही एल्कीन रख रहे हैं और पैडमियम कार्बन रख रहे हैं तो हमें गर्म करने के साथ ही हमें यहाँ पर H2 भी रखना पड़ेगा, तो ये रिएक्शंस होती है और हमें क्या मिलेगा, एल्केन, यानी कि हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, एथेन देखने को मिलेगा। तो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये बेंजीन का क्या रोल है या यहाँ पर बेंजीन क्यों लिया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, पैडमियम जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन एक पॉइजन में हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, और हम क्या करते हैं पैडमियम कार्बन सरफेस पे हाइड्रोजन को प्रेशराइज करके कंप्रेस करके रिएक्शंस करते हैं। ज़्यादा फ्लेम बनने की वजह से ये काफ़ी एक्सप्लोजिव हो जाता है, यानी हमारे को ब्लास्टिंग जैसा खतरा बना रहता है। तो हम इसके लिए कोई भी वोलेटाइल लिक्विड जैसे CCl4, कार्बन टेट्राब्रोमाइड या फिर टोलुइन या बेंजीन एक सॉल्वेंट के लिए रखते हैं। तो ये सिर्फ सॉल्वेंट का काम कर रहा है। एक और खास बात, यानी ये सॉल्वेंट ऐसा है जो इसके साथ रिड्यूस नहीं हो रहा, नहीं भी होता, एरोमेटिक पार्ट वैसे भी H2PDC के साथ रिड्यूस नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पैडमियम कार्बन कैटलिस्ट के ऊपर हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, कंप्रेस की जाती है और फिर उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास ये एक और एल्कीन है जो कि प्रोपीन है, अगर B2S6 डाइबोरेन के साथ इसका रिडक्शन कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमारे को रिडक्शंस वाली रिएक्शन देखने को मिलेगी और ये प्रोपेन बना लेता है। इज दैट क्लियर? हाँ, ध्यान रखना अगर आपने H2O2 ले लिया तो आपको एल्कोहल मिलेगा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई भी कीटोन हमने ले लिया तो जिंक अमलगम और HCl यहाँ पर कैटलिस्ट रहता है, HCl मीडियम का भी काम करता है, तो ये हमारे लिए जिंक अमलगम HCl के साथ, और ये हमारे पास हो गया क्लेमेंसन रिडक्शंस जो कि इस ऑक्सीजन को हटा देता है, CH3CR यानी CH3CR हमारे पास रिएक्शन मिल जाएगी CH3CH2R।
तो ये वाली रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। यही रिएक्शंस अब हाइड्रोजन इन एल्कली मीडियम यानी ओएच मीडियम में भी करा सकते हैं, लेकिन वहाँ इसका नाम अलग हो जाएगा, सब्सटेंस चेंज, रिएजेंट सेम चेंज, नेम भी चेंज हो जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, वुल किर्शनर रिडक्शंस। तो जिंक के साथ ध्यान रखिएगा क्लेमेंसन और NH2 हाइड्रोजन के साथ वुल किर्शनर। मैंने याद करने के लिए इस तरह से रख रखा है जस्सी, जस्सी का मतलब जिंक अमलगम विथ क्लेमेंसन, तो सी से क्लेमेंसन। और यहाँ लिख रखा है याद करने के लिए हवा, हवा का मतलब हाइड्रोजन और वा का मतलब वुल किर्शनर। तो हवा से आपको याद आ जाएगा हाइड्रोजन वुल किर्शनर को बनाता है और जस्सी जिंक अमलगम आपको क्लेमेंसन को बताता है, सी फॉर क्लेमेंसन। दोनों ही काम कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्केन में लाके रिड्यूस कर देते हैं। बाकी के रिडक्शंस में कार्बोनाइल आपको एल्कोहल में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने को मिल रही है हमारे पास। ये डी कार्बोक्सीलेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। CO2 बिल्कुल अलग हो जाता है और CH3 फ्री रेडिकल मिलता है जो कि पॉलीमराइज होकर CH3 CH3 यानी कि एथेन बनाने को कोशिश करेगा, तो ये एथेन बना लेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि हमने एल्केन बना लिए, अब एल्केन को बिगाड़ना है यानी कि उनकी रिएक्शंस क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस गिवन बाय एल्केन, उस पर भी डिस्कस किया जाए। तो ये हमारे पास है, एक मैंने लिया है एथेन, एथेन को मैंने रिएक्शन कराया SO2Cl2 और HMU के साथ, तो हमारे पास हैलोजिनेशन होगा। अगर यही मैंने H2SO4SO3 कराया तो सल्फोनेशन होगा, और HNO3H2SO4 कंसनट्रेटेड और हाई टेम्परेचर पर अगर हम रखें तो नाइट्रेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर और भी बातें कर रहे हैं। अगर हम एल्केन को X2 के साथ यानी कोई भी हैलोजन के साथ HMU लाइट की प्रेजेंस में करेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी और हमारे पास क्या मिलेगा, हेलो एल्केन देखने को मिलेगा। इसके मोनो डेरिवेटिव्स पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, बहुत अच्छा है, आप देखिएगा, बहुत एडवांस लेवल के लिए है वो। बाकी ये चीज़ हमारे लिए ईजी है। और अगर हम बात करें कि हैलोजन के लिए H2 HMU के साथ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स की बात करें तो क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, और यहाँ पर आयोडीन की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है तो हमें HIO4 भी लिखना पड़ता है साथ में। बाकी F2Cl2Br2I2 में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो ये आपके पास कुछ रिएक्शन है। आपने देखा बहुत सारी रिएक्शन से एल्केन बनता है, लेकिन बहुत कम रिएक्शन से एल्केन रिएक्शन दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एल्केन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती है, तो ये स्टेबल है क्योंकि इसमें पोलरिटी ज़्यादा नहीं होती है, तो आपको रिएक्शन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, आप कम्बशन करो एल्केन का, आपको H2O और CO2 देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? तो एक अच्छा सा रिविज़न कर रहे हैं हम, और हम आगे पढ़ते हैं, लिखिए इसको आप। हाँ, तो मित्रों फिर बात करते हैं हम कुछ और रिएक्शंस में। सबसे पहले बात करें एरोमेटाइजेशन, इसके अंदर हमने लिया है एन हेक्सेन और Cr2O3 एंड Al2O3 की प्रेजेंस में अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर यानी नियर अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमारे को ये एरोमेटाइजेशन यानी कि बेंजीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बेंजीन बन गया। अगर हेक्सेन की जगह हमें हेप्टेन ले लेंगे तो हमें टॉलुइन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारे को एक एलिफैटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 एंड Al2O3। नेक्स्ट हम ले रहे हैं आइसोमराइजेशंस, एल्केन आइसोमराइजेशंस यानी कि एक एल्केन दूसरी आइसोमर में कन्वर्ट होती है, लेकिन उसके लिए चाहिए कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl। इसमें हम देख रहे हैं कि हमने एन ब्यूटेन लिया है जो कि आइसो ब्यूटेन में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कोई भी हमने अलग कंपाउंड ले रखा है, जैसे हमने यहाँ पर ले रखा है पेंटेन। तो हमें कुछ इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं, तो अलग अलग आइसोमर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, तो आगे अगर हम बात करते हैं इस तरह का कंपाउंड है तो हमें एक तरह से आपको एक बड़ा कंपाउंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पाँच है, ठीक है, तो 5 6 7, तो साथ ही दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एल्केन दूसरे एल्केन में कन्वर्ट हो रही है लेकिन उस अपने आइसोमर में। नेक्स्ट, अगर हम कंबशन देखते हैं तो कोई भी हाइड्रोकार्बन कंब्यूज होता है तो क्या बनाता है, CO2 एंड H2O, ये हम अच्छे से जानते हैं। बैलेंस करते वक्त हम पहले कार्बन करते हैं, फिर हाइड्रोजन करते हैं और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन, या फिर रट लेते हैं। तो मैं चलो रट ही लेता हूँ। तो यहाँ मैंने ये फॉर्मूला 3N+1 / 2O2 में रटा है और NCO2 और N+1 H2O बना रहा है। आप मीथेन का कंबशन करेंगे CO2 और H2O बनेगा, बैलेंसिंग कर लेंगे। तो ये एक बहुत छोटा सा बात है। और पायरोलिसिस अगर हम बात करें तो पायरोलिसिस का मतलब होता है
हीटिंग, ओनली हीटिंग, जबकि कंबशन का मतलब होता है हीटिंग विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन लेंगे तो कन्वर्जन होगा ऑक्साइड में, लेकिन पायरोलिसिस में ऐसा ऑक्सीजन ही नहीं है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस CH3, CH2, CH3। और हमारे पास हाई टेम्परेचर पे हीटिंग करेंगे हम बिना ऑक्सीजन के, तो हमें ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। नाउ अब बात आती है मीथेन के बारे में, कुछ और जानकारी सिर्फ मीथेन के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। मीथेन क्या लिक्विड स्टेट में आ सकती है? हाँ, तो टाइटन पर जहाँ टेम्परेचर लगभग -300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उस जगह देखते हैं तो मीथेन अपने आप में उसका मेल्टिंग पॉइंट -149 होता है, तो वहाँ पर आपको मीथेन लिक्विड फॉर्म में ही दिखेगी, क्योंकि टाइटन पर ऑक्सीजन तो है नहीं, तो कंबशन देखने को भी मिलेगा नहीं, तो वहाँ जैसे यहाँ समुद्र पानी का है, वहाँ पर मीथेन का लिक्विड देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखो, उस पर आप स्विमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो आप ही सोचिए कि लो डेंसिटी लिक्विड में फ्लोट करना या बहुत हाई डेंसिटी में फ्लोट करना, दोनों ही मुश्किल काम होता है। तो चलिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, CH4 लेते हैं, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड हम ले रहे हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। और अगर हमने इसका अमोनिया के साथ Al2O3 के साथ हाई टेम्परेचर, हाई भी कितना 700 डिग्री सेंटीग्रेड करते, तो हमें यानी कि हम बोल सकते हैं SCN हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो साइनाइड, हाइड्रोसाइनाइड हमारे को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगर O2 और कॉपर ट्यूब के अंदर अगर हम गर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास मेथेनॉल देखने को मिलेगा, और ओजोन के साथ अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड देखने को मिल सकते हैं, SCHO, फॉर्मल्डिहाइड भी देखने को मिल सकता है, और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। निकल स्टीम के साथ अगर हम मीथेन ले रहे हैं, मीथेन एक तरह से नेचुरल गैस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेचुरल गैस होती है मीथेन लगभग 90%, बाकी ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। तो हमने नेचुरल गैस को निकल और स्टीम के साथ गर्म किया है, तो आपको क्या मिलेगा, CO और H2, यानी कि आपको वाटर गैस देखने को मिलेगा, और ये वाटर गैस CO और H2 को थोड़ा सा भी वाटर और ज़्यादा मिल जाता है, तो एक तरह से वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन देखने को मिलती है, इसमें CO CO2 में चेंज हो जाता है और H2 की क्वांटिटी बहुत मिलती है, तो हम इसका इंडस्ट्रियल यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने में भी, और कोशिश यही करते हैं कि CO का भी फर्दर डिकम्पोज हो जाए और किस में बन जाए, CO2 + H2, तो फाइनली हमें H2 गैस मिल जाती है, और इस H2 गैस का हम कई जगह यूज़ करते हैं। तो देखिए हमने कितना सारा देख लिया है। इंसर्शन रिएक्शंस, अगर हम एथेन की बात करें और CH2N2 लें, यानी डाइजो मीथेन के साथ गर्म करेंगे, तो हमें प्रोपेन देखने को मिल जाएगा, और दूसरी तरफ अगर ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ हम लें, तो छोटे एल्केन तो नहीं देती, लेकिन अगर आप 3 डिग्री या एल्केन देखने के या आइसो ब्यूटेन देखने को मिल रहा है, इसको अक्सर ऑक्सीडाइज करेंगे, तो हमारे को वास्तव में 3 डिग्री एल्कोहल देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ रिएक्शन है, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप प्लीज़ शेयर और लाइक करिए। और एक बात और, इसका पूरा नोट्स मैंने PDF फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक इट।